हाय गाइस एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। टीसी शॉर्ट्स में आज हम सिंपल और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होते हैं। आप में से कई लोगों ने कई मरतबा इस चीज को पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन बाद में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाते हैं कि आखिर ये होते क्या है, इसमें हम करते कैसे हैं। तो आज सरल शब्दों में समझेंगे इसको। इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे जो बीम है उसके अंदर बेसिकली दो जोन्स होते हैं। बीम के अंदर दो जोन की बात करूं तो एक होता है यहां पर कंप्रेशन जोन और दूसरा होता है टेंशन जोन। अब ये कंप्रेशन क्यों और ये टेंशन क्यों, ये भी समझ लो साथ साथ में। ये कंप्रेशन और टेंशन इसलिए होता है कि ये मान लो आपका बीम है पूरा और इस पे लोड लग रहा है, तो बीम के ऊपर लोड लगने की वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, उसके अंदर बेंडिंग होगी। तो डिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा कि ये जो ऊपरी हिस्सा है यहां पर, ये इसके जो फाइबर है यहां के कॉन्क्रीट के जो फाइबर हो गए, वो कंप्रेशन एक्सपीरियंस करेगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, उसमें कंप्रेशन लगेगा इसलिए क्योंकि वो दबाव के अंदर होगी ना, उस पर फोर्स डायरेक्ट लग रहा है, लोड लग रहा है, तो वो दबेगी अंदर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन में आ जाएगा जोन। और नीचे क्योंकि बॉटम का जो एंड है ये फटने की कोशिश करेगा, क्रैक होने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, तो इसके जो फाइबर है वो टेंशन एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास दो जोन बनते हैं, कंप्रेशन जोन या अपर जोन यानी, और बॉटम में टेंशन जोन। हमारे कंक्रीट और स्टील के अंदर जब हम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं दोनों का, तो क्यों करते हैं, हम ये मानते हैं भाई कि कंप्रेशन जो है वो कंक्रीट ले लेगा और टेंशन जो है वो स्टील ले लेगा। ठीक है, तो अब सिंगली रेनफोर्स बीम का जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी वो केवल बॉटम में करेगी। यानी देखो ये आपका सिंगली रेनफोर्स बीम है, इसमें हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहां, केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम कहेंगे। इसके अंदर हम कंप्रेशन जोन में कोई रेनफोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई स्टील प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम ये मानते हैं कि भाई आपका जो कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन जो है वो कंक्रीट खुद ले लेगा क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, और टेंशन जो है आपका स्टील ले लेगा बॉटम में क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, तो वहां पर स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डबली रेनफोर्स बीम का मतलब क्या होता है कि ऐसा बीम जहां पर हम कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही जोन में स्टील को प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसी नौबत हमें क्यों आती है, हालांकि हम तो ये मानते हैं कि कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, उसके बावजूद भी हम यहां पर क्यों कंक्रीट को कंक्रीट के साथ साथ कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका रीजन एक ये होता है कि जब आपके पास आपके बीम पे हैवी लोड आ रहा हो, उसके अंदर जो मोमेंट है वो ज्यादा क्रिएट हो रही है, बेंडिंग के चांसेस ज्यादा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि वहां पर उसके जो डायमेंशन जो डेप्थ उसकी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसकी डेप्थ ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमें डबली रेनफोर्स बीम का सहारा लेना पड़ता है, उसके ऊपर हमें जाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ऑन फील्ड प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्योर सिंगली बीम जो है वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों, इसके रीजन है क्योंकि हम, आपको पता होगा कि रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं बीम के अंदर, उसमें हमें शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करने होते हैं। शियर रेनफोर्समेंट मतलब क्या, शियर रेनफोर्समेंट मतलब जो हम स्टीरअप्स या लेटरल टाइज जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टीरअप जब हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं शियर एनफोर्समेंट। अब ये जो सिंगली बीम है, शियर एनफोर्स जब हम प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो वो मान लो इस तरह से प्रोवाइड करते हैं हम लोग, शियर एनफोर्समेंट हम कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टीरअप हो गए, तो स्टीरअप जब प्रोवाइड करेंगे तो नीचे से तो यहां पर ये होल्ड कर लेगी इसको, लेकिन ऊपर से कौन होल्ड करेगा इसको, ऊपर से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इसकी। इसलिए सिंगली बीम के अंदर भी हम क्या करते हैं, यहां पर एक बार और यहां पर एक बार प्रोवाइड ऑलवेज करते हैं। इससे होता क्या है, इसका वैसे कोई खास, सिंगली बीम की जब डिजाइन होती है ना, तो ये जो ऊपर हम दो बार प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मकसद एक ही होता है और वो होता है इन स्टीरअप्स को पकड़े रखना। ठीक है, लेकिन डबली के अंदर ये अपना रोल पूरा अदा करता है उसके स्ट्रेंथ को लेकर, बेंडिंग को रेजिस्ट करने को लेकर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डबली की और सिंगली की, आपको समझ में आ गया होगा कि डबली किसे कहते हैं, सिंगली किसे कहते हैं, डबली कहां यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है, ये सारी चीजें आज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ आपको हम आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।